नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुजेट। जनपद संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, धमकियों से परेशान होकर दलित रेप पीड़िता ने खुद को लगाई फांसी। दबंगों की तरफ से लगातार पीड़िता के परिवार पर फैसले का बनाया जा रहा था दबाव, तनाव में आकर पीड़िता ने खुद को लगाई फांसी। संभल में मानसिक संतुलन खोकर दलित रेप पीड़िता ने की आज आत्महत्या। अपने ही दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर छत के कुंदे से टंगी मिली युवती की लाश। एक साल पहले पड़ोस के ही युवक ने किया था युवती का कॉलेज जाते समय रेप। युवक अभी तक जेल में बंद है। युवती से रेप करने के मामले में परिवार बना रहा था फैसले का दबाव। आरोपी के परिवार वाले दलित रेप पीड़िता के परिवार पर फैसले का बना रहे थे दबाव। रेप होने के बाद युवती ने खोया था मानसिक संतुलन। बरेली हॉस्पिटल में चल रहा था मानसिक संतुलन सही करने का इलाज, मगर लगातार पीड़िता अपने परिवार पर फैसले का दबाव देखकर और ज्यादा मानसिक तनाव की शिकार होती जा रही थी। पीड़ित युवती ने आज इसी के चलते अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जबकि पीड़ित परिवार अपनी बेटी का बरेली मानसिक हॉस्पिटल से इलाज करा रहे थे। समाचार ए टू जेड के लिए संभल से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बताए ना साथ दो, बढ़िया बढ़िया है तो ही तो गाँव में आ रहे हैं। हमारी किसी ने जो मदद ना करी और ये हम चले गए थे मैजरी, अगर इनकी सलाह ना होती तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा था राजेंद्र कह रहा हूँ इस लड़की की शादी नहीं होने दूंगा। तब मैं 5 बीघा जमीन वो लगा दूंगा बेच के। देखो तुम मेरे कहाँ पा रहे हो, राजेंद्र कौन है? राजेंद्र को लड़का था वो, उसका पूरा गाँव में साथ दिया मेरा साथ किसी इनके घर सर रोटियों से पले गए तो सर मैं तो जानती हूँ तो मैं कब कितना और जो थोड़ा बहुत अगर कोई नहीं जरा सी मेरी तो साथ की अच्छी बात है ना, उसको भी खराब कर देती है। अगर तुम साथ दोगे तो तुम्हारे ऊपर भी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अगर कोई मतलब ऐसे किसी का आना वाला थोड़ा बहुत आने का आया दे तू वाला तो क्या कोई थोड़ी बहुत निकल रहा बता दे तो बाकी टाइम कह दे तो बाकी टाइम फंसा देंगे, बाकी से फंसा देंगे तो बाकी से फंसा देंगे। बाकी टाइम बता हम तो चले यहाँ का गला राजनीति यहाँ से ऐसी बुरी चलने के। कौन बरादरी था लड़का? जुलाई था किया था ना यहाँ पे तो मतलब ऐसी कार्रवाई वगैरह बहुत थोड़ी कम हो रही थी तो वो कह रही थी बार बार कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है तो फैसला कर लो फैसला नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत धमकियाँ देते थे ना। क्या धमकियाँ दे रहे थे? ये दे रहे थे कि फैसला नहीं करोगे तो हम ये उल्टा केस कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। उस वजह से वो बहुत परेशान डिप्रेशन में आ गई, फिर उसने आत्महत्या कर ली आज सुबह 9:30 बजे के टाइम। लड़की ने आत्महत्या की है, क्यों करी थी, क्या मामला था? 14 अगस्त के लिए स्कूल जा रही थी लड़की, स्कूल जा रही थी। काशी इस्लाम का लड़का था, उसने रेप किया था, उसने करा था दूसरे से और करवाया था उसने जबरदस्ती लड़की से। फिर उसी दिन से लड़की ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल भी छोड़ दिया था, खाया पिया नहीं था। कुछ दिन के बाद 2-4 महीने हुए, 2-4 महीने के बाद उसकी बहन ने आशीष की बहन ने ही मुझसे कहा था कि चाची आपकी लड़की ज्यादा हालत खराब हो रही है, तुम जाकर ध्यान ना रखती हो। मैंने कहा ना बेटा ऐसी कोई बात ना है, ये वैसे भी दुबली पतली है, करना चाहती टेंशन है इनके लिए, अरे जीना नहीं चाहती है मरना चाहती है। तो मैंने उससे पूछा, वो बोली गया मेरी मम्मी से मत कहना, मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है बहुत ज्यादा। तब फिर भी उसने बताया वो चाची, मैंने कहा हाँ कि सुमन की बहुत तबीयत खराब रहती है, तुमने क्यों दिखाना रही हो? मेरे क्यों कहा आता है तो टेंशन बसा लगी हो नन्ना जी, ना पता क्या काय की टेंशन है, जीना नहीं चाहती है। तो मैंने कही अच्छा, फिर मैं दूसरे दिन को रामबाड़े पर ले गई थी दवाई के लिए, वहां ले गई थी मोनका दिखाया, मोनका से दवाई ऑनलाइन दवाई मंगाई थी, गांव में दिलाती रही, बरेली ले गई थी। फिर मैंने 26 जनवरी बारे दिन स्कूल में पढ़ाती है लड़की स्कूल में पढ़ाती थी राधे श्याम के में, तो वो 25 तारीख के लिए आए हमारे लड़के से कहने लगे कि वो सुमन लता के लिए स्कूल भेज देना। फिर मैंने भी कही, उसने भी कही जा स्कूल जा, मैंने भी कही थी, उसने मना कर दिया। मैंने बेटा क्या बात है, उसने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी, पानी गर्म रह गया, नहीं भी नहीं। आज फांसी क्यों लगा ली उन्होंने लड़की ने? उसने वो ये कह रही थी कि मेरे लिए कुछ वो नहीं कर रहे हैं, आप दबाव डाल रहे हैं, बार बार दबाव डाल रहे थे गांव के लोग आए थे। किस बात का दबाव डाल रहे थे? फैसला कर लो, हमने वो कर दिया था ना, नहीं तो जो वो तो जेल भेज दिया था ना। हाँ तो एक लड़का दूसरा वाला नहीं आया ना हाथी अभी। कौन था, क्या नाम था उसका? हमें नाम के नहीं पता, नाम तो उसी को पता है, वही नाम तो उसी को पता है, उसी को मालूम है, उसी ने बुलाया फोन करके। कोई वीडियो का ही मामला? वीडियो है उसके पास। क्या वीडियो? क्या बता? गलत वीडियो, मतलब जेब की वीडियो आपको बताऊं तो इसी काली की वजह से उस लड़की ने वो कर ली। तो उसी लड़के ने बनवाई थी? उसी ने खुद बनाई अपने हाथ से, दूसरे लड़के के साथ बनाई है। मतलब पहले दूसरे लड़के ने बनाई थी,
तो उसने अपनी कटवाने के लिए ना उसने और लड़की मेरी कहती लड़की कहती रही तो उस पढ़ने में इतनी अच्छी थी पूरे गांव में दोनों ने अलग अलग बनाई हाँ लेकिन पूरे गांव में सबई थाना क्षेत्र के गाँव पुरा में लड़की ने फंदा लगा के आत्महत्या की है। क्या मामला? आज दोपहर में हम लोग को सूचना मिली कि पूरा गांव में एक लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इस प्रोग्राम में तत्काल हम लोग मैं इंस्पेक्टर इस गांव में हम लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद लड़की को मृत पाया गया और लड़की के परिवार वालों का यह आरोप है कि इसके पहले एक मुकदमा और हुआ था किसी लड़की के साथ किसी लोगों ने गांव के ही कुछ एक लड़के ने गलत काम किया था तो उनके खिलाफ मुकदमा था। वो लड़का जेल में था उनके परिवार द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि तुम इसमें समझौता कर लो। ये लड़की इसी वजह से काफ़ी मानसिक टेंशन में थी जिसके कारण आज इसने स्वयं आत्महत्या कर ली।